नमस्कार असफलता अनसक्सेस आपको कहीं पर भी मिल सकती है आपको नौकरी में मिल सकती है आपकी प्रमोशन में मिल सकती है आपको इंक्रीमेंट में मिल सकती है और आपको रिलेशन में भी मिल सकती है असफलता कहीं पर भी मिल सकती है और कहीं पर भी आपके दिल और दिमाग में असफलता का भूत बैठ सकता है अब असफलता कहीं पर भी मिल सकती है तो उसको कैसे हैंडल करें उसको कैसे फाइट करें उस असफलता से प्रमोशन में असफलता मिल जाए या इंक्रीमेंट में असफलता मिल जाए आपके साथ का कलीग आपके साथ जॉब करने वाला उसको प्रमोशन मिल गया या उसको इंक्रीमेंट मिल गया आपको नहीं मिला तो आप हताश उदास निराश फ्रस्ट्रेट हो गए आप घर का माहौल भी चिड़चिड़ा रहता है आपकी फैमिली भी आपसे अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर पाते हो आप क्यों क्योंकि आपका दिमाग हमेशा ऑफिस में रहता है कि यार उसे प्रमोशन कैसे मिल गया उसे इंक्रीमेंट कैसे मिल गया मुझे क्यों नहीं मिलता है मुझे क्यों नहीं मिला तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें तो ध्यान रखना सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसा हो जाए ना तो खुद पर भरोसा रखना खुद में हिम्मत रखना साथ वाले का प्रमोशन हो गया साथ वाले का इंक्रीमेंट हो गया आपका नहीं हुआ तो हिम्मत मत तोड़ना अंदर धैर्य बनाए रखना और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना खुद पर भरोसा बनाए रखना की कोई बात नहीं आज इसका हुआ है तो कल मेरा भी प्रमोशन होगा कल मेरा भी इंक्रीमेंट होगा इसका प्रमोशन हो गया तो आप जलना मत अपने अंदर ईर्ष्या की भावना मत रखना और ये मत रखना कि कंपनी ने मेरा प्रमोशन नहीं किया तो मैं कंपनी का वर्क नहीं करूंगा ऐसा कभी मत करना खुद पर भरोसा रखना और कंपनी को ऑफ करना कि आप कुछ हैं ऐसा कुछ करके दिखाना कुछ नया सीखते रहना ध्यान रखना आपके पास वाले का इंक्रीमेंट हो गया तो क्यों हुआ कैसे हुआ कुछ न कुछ तो वो नई स्किल्स वो आपका साथ वाला जानता होगा इसीलिए उसका प्रमोशन हुआ इसीलिए उसका इंक्रीमेंट हुआ आज का नया दौर है बदलता हुआ दौर है कुछ न कुछ नई स्किल्स आपको सीखनी होगी अगर नई स्किल्स आपने नहीं सीखा ना तो ध्यान रखना कि आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे योजना बनाना और मेहनत करने में कोई कमी मत रखना असफलता का अगर असफलता को तोड़ना है इसको फेस करना है तो मेहनत बराबर करना और योजना बनाते रहना अब मान लो आपको रिलेशन में असफलता मिल जाती है कभी कभी आप किसी से अच्छा बिहेव रखते हो समाज में रिश्तेदारी में और वो आपके साथ चोट कर देता है तो आपको असफलता आपको गिल्टी फील होती है यार मैंने उसके लिए ऐसा किया और मैं क्या हो? अगर आपको ऐसे आपका रिश्ता किसी कारण टूटा है ना तो किसी तीसरे की बातों में आकर रिश्ता मत तोड़ना डायरेक्ट फेस टू फेस उस व्यक्ति से जाके बात करना कि अपन दोनों के बीच में ऐसा क्या बात हुई जो अपना रिलेशन टूटा अपना बिहेवियर ब्रोक हुआ तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करके आप अपना रिलेशन मत तोड़ना कभी भी बदले की भावना मत रखना रिवेंज मन में मत रखना कि आपका रिश्ता किसी वजह से टूटा तो आप मन में यह मत रखना कि मैं इसको बताऊंगा मैं भी ऐसा कुछ करके बताऊंगा ये भी जीवन पर याद रखेगा ऐसा कभी मत करना अगर आप बदले की भावना रिवेंज की भावना आप अपने हार्ट में रखोगे ना तो नुकसान उसको नहीं आपको ही होगा रिलेशन में एक बात जरूर याद रखना जहां सम्मान नहीं जहां आपका रेस्पेक्ट नहीं जहां आपकी इमेज की परवाह नहीं वहां कभी मत जाना चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो कितने ही बड़े पद पर हो और कितना ही रेस्पेक्टफुल पर्सन हो जहां आपकी इज्जत नहीं वहां मत जाना क्योंकि आपका भी तो आत्मसम्मान है अगर ऐसी जगह जाओगे ना तो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी तो ये कुछ बातें हैं जो असफलता आपको कहीं पर भी मिल सकती है तो इस जगह असफलता को कैसे हैंडल करें इन बातों से हैंडल करना कभी भी आप उदास नहीं होंगे आप वापिस मूव ऑन कर जाओगे